हमारे प्राचीन भारत में बहुत ही महान ऋषि मुनि हुए हैं, आर्यभट्ट, वराहमिहिर और भास्कराचार्य आदि। ये प्राचीन भारत के वो लोग हैं जिनके द्वारा दिए गए सिद्धांत आज के मॉडर्न साइंस को भी चैलेंज करते हैं। प्राचीन भारत में काफी जीनियस एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट हुए हैं और उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की जिसमें साइंस से रिलेटेड काफी महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए हैं। लेकिन मध्यकालीन भारत में जब विदेशी आक्रमण होने लगे तब उन आक्रमणकारियों ने हमारी संस्कृति को खत्म करने का पूरा प्रयास किया। बख्तियार खिलजी नाम के एक तुर्की आक्रमणकारी ने नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगवा दी थी। यहाँ के पुस्तकालय में इतनी पुस्तकें थी कि वहाँ करीब 3 महीने तक आग धधकती रही। 16वीं शताब्दी के बाद विदेशी कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए आने लगी और इसी के साथ आगमन हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का। भारत की संपदा को देखकर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना वर्चस्व स्थापित करने का सपना देखने लगी थी। देखते ही देखते भारत की पूरी सत्ता का कंट्रोल अंग्रेजों के हाथ में आ गया। ब्रिटिश रूल के दौरान इंडिया के साइंस सेक्टर में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए और साथ ही देश के होनहार समकालीन साइंटिस्ट को चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। ब्रिटिश पीरियड के दौरान इंडिया के स्पेस सेक्टर पर प्रतिकूल प्रभाव तो पड़े ही, साथ ही कई अनुकूल प्रभाव भी देखने को मिले। ब्रिटिश शासन के दौरान इंडिया की ट्रेडिशनल ऑब्जर्वेटरीज का पतन हो गया। इसके साथ ही ट्रेडिशनल थिंकिंग को खत्म करने का प्रयास अंग्रेजों द्वारा किया गया। जो वैज्ञानिक सिद्धांत हमारे ऋषि मुनियों द्वारा दिए गए थे उनको नेग्लेक्ट किया जाने लगा और यूरोपियन साइंस को बढ़ावा दिया गया। भारतीय समाज को दबाने की कोशिश तो बहुत की गई लेकिन फिर भी उसमें वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाए। ब्रिटिश शासन के दौरान कई भारतीय वैज्ञानिकों ने साइंस के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए। इन वैज्ञानिकों में सर जगदीश चंद्र बासु का नाम सबसे ऊपर आता है। वे प्लांट फिजियोलॉजी और बायोफिजिक्स के एक महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक उपकरण का आविष्कार किया था जिसे केस्कोग्राफ के नाम से जाना जाता है। ये उपकरण पौधों की वृद्धि को मापता था। इसी के माध्यम से उन्होंने बताया कि पौधों में भी जीवन होता है और उनमें संवेदनाएं भी होती हैं। सर जगदीश चंद्र बासु ही वो पहले भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों पर काम किया था। सर सीवी रमन भी ब्रिटिश काल के एक महान भारतीय वैज्ञानिक थे। वे अपने फिजिक्स के फील्ड में काम करने के लिए प्रसिद्ध थे। उनको अपने द्वारा दिए गए एक शोध पर नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। सर सीवी रमन ने 1930 में रमन प्रभाव की खोज की थी जिसमें उन्होंने बताया कि गैसों, तरल पदार्थों और ठोस पदार्थों के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर द्वारा लाइट स्कैटर की जाती है और इसी वजह से हमें समुद्र का पानी नीला दिखाई पड़ता है। उन्होंने फिजिक्स के क्षेत्र में और भी बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए थे जो कि काफी ज्यादा प्रशंसनीय है। अब नाम आता है उस वैज्ञानिक का जिनको फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कहा जाता है। आप समझ ही गए होंगे कि हम किनकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के बारे में। उन्होंने क्वांटम थ्योरी और कॉस्मिक रेज के बारे में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने आजादी के बाद काफी महत्वपूर्ण काम किए। अब बात करते हैं एसएस भटनागर के बारे में। एसएस भटनागर एक फेमस केमिस्ट थे और वे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के पहले डायरेक्टर जनरल भी थे। एसएस भटनागर ने काफी महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए। मेघनाथ साहा ब्रिटिश शासन के दौरान एक महान भारतीय वैज्ञानिक थे। उन्होंने साहा आयनाइजेशन इक्वेशन दी थी। इसका उपयोग स्टेलर एटमॉस्फेयर और स्पेक्ट्रम को समझने के लिए किया जाता है। उन्होंने एस्ट्रोफिजिक्स से रिलेटेड कई महत्वपूर्ण और सिद्धांत भी दिए थे। ब्रिटिश रूल के दौरान प्रफुल्ल चंद राय एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्हें इंडिया में फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। उन्होंने भारत की सबसे पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी खोली। केमिस्ट्री के क्षेत्र में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। अब बात करते हैं एक ऐसे महान मैथमेटिशियन के बारे में जिन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर पूरे विश्व में भारत का परचम फहराया है। जी हाँ, श्रीनिवासन रामानुजन का परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने महज 12 साल की उम्र में ही ट्रिग्नोमेट्री में महारत हासिल कर ली थी और कई थ्योरम्स विकसित किए थे। इनफाइनाइट सीरीज, फ्रैक्शंस, नंबर थ्योरी और मैथमेटिक्स में रामानुजन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इंग्लैंड में जाने से पहले भी 1903 से 1914 के बीच रामानुजन गणित के 3542 थ्योरम्स लिख चुके थे। बीरबल साहनी ब्रिटिश पीरियड के दौरान एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ प्लियोबॉटनी की स्थापना की थी। उन्होंने फॉसिल प्लांट्स के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था।
वो पहले भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने पुरा वनस्पति विज्ञान पर काम किया था। उन्होंने सिक्कों के सांचों की खोज की और प्राचीन भारतीय काल में सिक्का ढालने की प्रक्रिया को समझाया था। इसलिए वो पहले भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने मुद्रा शास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। साहनी की क्यूरियोसिटी काफी ब्रॉड थी। बायो ज्योग्राफी, फाइटो ज्योग्राफी, आर्कियोलॉजी और जियोलॉजी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने काम किया था। इन वैज्ञानिकों ने ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के दौरान भी अपने कंट्रीब्यूशन के जरिए भारत का नाम पूरे विश्व में ऊंचा कराया था। साथ ही विज्ञान के क्षेत्र में इंडिया के फ्यूचर अचीवमेंट्स की एक समृद्ध नींव रखी थी। इन वैज्ञानिकों द्वारा किए गए काम पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को प्रेरित करते हैं। 1 जून सन 1945 को टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी कि TIFR की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना जहांगीर भाभा ने JRD टाटा के सहयोग से की थी और वे प्रथम निवेशक भी बने थे। इसे परमाणु विज्ञान और मैथ के लिए भारत का राष्ट्रीय केंद्र घोषित कर दिया गया है। विदेशी सत्ता होते हुए भी हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने विज्ञान के क्षेत्र में इतने महान कार्य किए, इसके लिए भी भारतीयों को गौरवान्वित होना चाहिए। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। इस वीडियो को इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए अपने सभी रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि हर कोई इस गौरवशाली इतिहास को सुन सके। दोस्तों, जल्द मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।